नई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र सिंह यादव ने G20 को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लॉकडाउन और दिल्ली बंद जैसे दिल्ली में फैल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली प्रगति मैदान भारत मंडपम में G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का भारत मेजबानी कर रहा है। वहीं शिखर सम्मेलन को लेकर आज दिल्ली ट्रैफिक स्पेशल CP एडिशनल CPR सत्य सुंदरम और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के ट्रैफिक DCP आलाप पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बाजार 7 और 8 की मध्य रात्रि से 11 सितंबर 2023 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं नई दिल्ली के आसपास सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का कुछ इलाका भी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रभावित रहेगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 सितंबर की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है, तो उसमें दिल्लीवासी अपने घर से बाहर छुट्टी मनाने के लिए नहीं निकले, क्योंकि नई दिल्ली पहुँच रहे G20 के 19 देशों के डेलीगेशन अलग अलग निर्धारित स्थानों पर कम्यूट करेंगे, जिस कारण दिल्ली में मेट्रो के सिवा बाकी दूसरे तरह के व्हीकल, खासतौर पर पर्सनल व्हीकल पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रोक लगाई गई है। उत्तर से दक्षिण दिल्ली के हिस्से में जाना चाहते हैं, पूर्व पश्चिम में जाना चाहते हैं, मेट्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सभी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए, मेडिकल सेवाओं के लिए स्पेशली जो एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम है वो हमने स्थापित किया है, उसमें डेडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट 30 जो आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उसमें है। तो विस्तार से हमने समझाने की कोशिश करी है कि विभिन्न सेवाएँ यातायात पुलिस अपनी इंतजाम के दौरान प्रोवाइड करेगी, और आप इसी के साथ साथ एक वर्चुअल हेल्प डेस्क हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर तरह की सेवा जिसकी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज किसी भी तरह की है प्रभावित नहीं होगी। एयरपोर्ट पर अगर आपकी फ्लाइट से इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, उसमें आपको बताया गया है कि आप न्यू दिल्ली किस तरह से कवर किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली का जो इलाका है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, वो कंट्रोल जोन 1 के नाम से जाना जाएगा, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैफिक रेगुलेशंस लगे हैं। अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अलग रेगुलेशंस रहेंगे। मोटे तौर पर आप समझिए कि टाइम पीरियड जो है वो